प्रदेश में आरजेडी ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, सरकार आमजन के लिए है हानिकारक। जी हां, केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ और जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में दुमका शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर आरजेडी ने एक दिवसीय धरना दिया और रोषपूर्ण प्रदर्शन भी किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को भी सौंपा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश महासचिव सह दुमका जिला प्रभारी दिवाकर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपति घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण महंगाई अपने चरम सीमा पर भी पहुंच गई है। सह प्रभारी प्रदेश महासचिव गिरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जन विरोधी कार्य किया है, ये सरकार आम जनता के लिए हितकारी नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।